हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम ब्लॉग गाड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज आए हैं हम सोड पे एंड यहाँ पे आप नज़ारा यहाँ का बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो। ये रहा यहाँ पे सोड एंड ये अपनी बहुत बड़ी ताज होटल है, बहुत ही बढ़िया यार। तो अभी अपन चलते हैं नौकरी पे एंड वहाँ पे जाके आपको बताने लायक वो कुछ तो बताएंगे, तो चलो लेट्स गो। तो गाइस, फिलहाल अपन आ चुके हैं साइड पे एंड अभी हम जाएंगे यहाँ पे, हमारा जो गार्डन है ना बड़ा वाला, तो वहाँ पे एनुअल कुछ फंक्शन होने वाला है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे सारा बेंगलो है, सारे बेंगलो, तो वहाँ पे बेंगलो का पूजन होने वाला है वैसा लगता है। बट मेरे को पता नहीं है क्या होने क्या वाला है, वो मेरे को पता नहीं है। तो एक बार अपन वहाँ पे जाते हैं एंड देखते हैं एंड फिर हम आपको बताते हैं ना। तो चलो अभी चलते हैं थोड़ी देर में एंड मेरी साइड पे यहाँ पे सिविल का जो शटरिंग का वर्क सामान पड़ा था वो भी रिमूव हो रहा है यहाँ से। जो प्रोप होते हैं वुड के प्रोप होते हैं वो रिमूव हो रहे हैं। तो देखो कुछ ऐसा वर्क हो रहा है। तो फिलहाल हम आए थे यहाँ पे सोसाइटी में, यहाँ पे 183 बेंगलोज है, सब एक सेम टू सेम ही आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। एंड अभी यहाँ पे फंक्शन होने वाला है तो एडवर्टाइज़ के लिए ही है ये, अपना सोसाइटी का एडवर्टाइज़ के लिए ही है। तो अभी तो रेडी हो रहा है, डोम बन के रेडी हो रहा है, तो आपको मैं बताता हूँ फिर डोम कैसे कितना बना है एंड कैसे बनने वाला है। तो एंड बहुत बढ़िया सा बनने वाला है मुझे तो लगता है, तो आपको बताता हूँ, है ना। पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप, वहाँ पे लोकोमोटिव क्रेन के माध्यम से वर्क हो रहा है। गार्डन में हो रहा है अभी सारी शेयर सेट कर रहे, टेबल, डाइनिंग टेबल एंड यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है। तो गाइस यहाँ पे देखिए वाटर प्रूफिंग हो रहा है, यहाँ पे पहले हमने संक रखा था बट अभी यहाँ पे फिल करने वाले हैं तो भेज नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे वाटर प्रूफिंग अभी कर रहे हैं एंड यहाँ पे कंक्रीट बन चुका है तो आप देख सकते हो। तो गाइस अभी बजने वाले हैं शाम के 6 एंड हम निकल चुके हैं घर पे जाने के लिए एंड ये रास्ता है अपना सरदार पटेल रिंग रोड एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड लोकोमोटिव क्रेन के माध्यम से वर्क चल रहा है बहुत बहुत ज़्यादा एंड बहुत ये अब देख फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ही बन रहा है। फिर फ्रेमवर्क बनने के बाद फिर अब यहाँ पे बनेंगे ब्रिक वर्क होगा बट अभी ब्रिक वर्क हुआ नहीं है, अब देख सकते हो। एंड बहुत अच्छा डेवलपमेंट वर्क अहमदाबाद में चालू है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी एक लोकोमोटिव क्रेन लगाई हुई है। तो आज हम घर पे जाके मामा के छोकरे उनको घुमाने के लिए ले जाएंगे। मेरे को कब से बोल रहे हैं निकुल भाई मेरे को, हमको ले जाओ गाड़ी में घुमाओ हमको थोड़ा बहुत, तो फाइनली आज हम ले जाएंगे। तो गाइस फिलहाल हम आए हुए हैं सिलस एंड सिलस के नियर में यहाँ पे साइड में ही एक आलीशान होटल बनने जा रहा है जो कि है एरोप्लेन में। एंड अभी यहाँ पे बहुत सारा वर्क रेडी कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे पेंटिंग हुआ है अपना कच्छ का जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो ही हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। एंड मैं वहाँ पे जाके पूछता हूँ वो लोग को, अंदर जाके आपको टूर दे सकता हूँ कि नहीं, तो देखते हैं। एंड यहाँ पे गार्डनिंग वर्क भी होने ही वाला है। एंड गाइस थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो सोच रहा हूँ कि बारिश आने वाली है तो बाद में आपको दिखाऊँगा।
यहाँ पे गुजरात का मैप रखा हुआ बनाया हुआ है एंड यहाँ पे सौराष्ट्र की छान बताई हुई है जो सकड़ा है, आप देख सकते हो गाइस आलिशान। तो फिलहाल गाइस अपन आ चुके हैं लपकामण एंड वहाँ से टमाटर लेना है, तो टमाटर ले लेते हैं वहाँ लारी के। तो चलो लेट्स गो। क्यों रहते आप टमाटर? फाइनली गाइस हमने यहाँ से वेजिटेबल ले लिया है, अभी तो हमने टमाटर ही लिए हैं और टमाटर के साथ धनिया और मिर्ची देते हैं फ्री में, तो ले लिया है फाइनली एंड फिर निकलते हैं अपन। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं घर पे एंड अभी जा रहे हैं हम टेंपल पे एंड मामा के सारे लड़के लड़कियाँ को हम ले जा रहे हैं, सारे को हम जा रहे हैं अभी वहाँ पे जाके हम थोड़ा बहुत घुमा लेंगे। कब से वो बोल रहे थे मेरे को कि बाइक में बिठाओ, तो फाइनली आज बिठा देते हैं बाइक में एंड चलो चलते हैं। रागु पड़ी जाइस, ओ गिर जाएगी तू। तो यहाँ पे भाविका रेडी हो रही है, इधर देखना भाविका। एंड ये कौन है नीचे वाली, नीचे कौन है, ये कौन है ये? तो फिलहाल हम सब आए हैं यहाँ पे, महादेव का टेंपल है नीलकंठ महादेव का एंड यहाँ पे यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है एंड यहाँ पे साइड में एक लेक है आप देख सकते हो एंड कैसा लगा सरप्राइज? गाइस फिलहाल हम आए हैं यहाँ पे जय चामुंडा माता जी का टेंपल है, तो यहाँ पे जाते हैं अंदर एंड अंदर जाके दर्शन करते हैं हम एंड फिर यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देना। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है एंड यहाँ पे हम रोहित रजीना एंड भाविका के साथ आए हुए हैं। तो दर्शन कर लो फटाफट फिर चलते हैं अपन यहाँ से। यहाँ पे माता चामुंडा माता का टेंपल है एंड यहाँ पे फोटोज माता चामुंडा माँ का है आप देख सकते हो, है ना। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। रोहित कैसा लगा? अच्छा लगा। टेंपल यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक ये सामने आपको दिख रहा होगा, एक ये है, एक वहाँ पे आपको पहले हमने घुमाया वहाँ पे। अब अपन जाएंगे वो बड़े वाले टेंपल में एंड वहाँ पे जाके आपको बताते हैं कैसा स्पेस है एंड कैसा है यहाँ पे, ये किसका टेंपल है एंड अभी वहाँ पे आरती हो रही है एंड यहाँ पे रामदेव भगवान का यहाँ पे फोटोज है एंड हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो गाइस फाइनली हम अभी आए हैं भगवान रामदेव के शरणों में एंड जय अलख धनी। तो यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो ये है यहाँ पे भगवान रामदेव का टेंपल एंड फोटोज रखा हुआ है बहुत बड़ा एंड रामदेव भगवान के घोड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो अभी चलते हैं अपन, यहाँ पे दिया भी हो चुका है एंड अभी यहाँ पे भी रामदेव भगवान कृष्णा भगवान का फोटोज है। ऊपर तो नहीं जाएंगे हम, यहाँ से दर्शन कर लेंगे। तो फाइनली गाइस हमने दर्शन कर लिया है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं एंड इन बच्चों को थोड़ी देर यहाँ पे खेलने देते हैं एंड फिर अपन चलते हैं घर पे। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं एंड अभी हम चलते हैं घर पे। तो घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं, रोहित आ रहा है पीछे एंड भाभी का भी पीछे आ रही है एंड यहाँ पे रजीना। तो फटाफट से अपनी बाइक वहाँ पे पड़ी हुई है, तो फटाफट से लेते हैं एंड लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं हम घर पे एंड आज ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो गया है, तो एक चेस्ट कर लेना एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना एंड मुझसे भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ब्लॉग बनाते रहेंगे हम एंड मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।